पूरे उत्तर भारत में गर्मियां अपने चरम पर है। ऐसे में अब गर्म हवाओं का असर अब अक्सर सर्द रहने वाले पहाड़ों पर भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौजूदा सीजन में तापमान रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। हीट वेव को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 24 घंटों में प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही रहा है और कुछ एक स्थानों में जैसे आपका ऊना, बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी, सोलन, धर्मशाला, पालमपुर, मुंडा, यहाँ पे हीट वेव कंडीशन लैस हुई हैं, जहाँ की मतलब सामान्य जो तापमान है वो सामान्य से 4-6 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। सबसे अधिकतम तापमान जो था वो ऊना में था 44.2 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद निरी हमीरपुर में था 44 डिग्री सेल्सियस और बिलासपुर सुंदरनगर में तापमान मतलब 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है। और अपने हिल स्टेशन जैसे सोलन, धर्मशाला, पालमपुर है तो वहाँ देखिए 35 के आसपास रिकॉर्ड तापमान किया गया, जो कि सामान्य से 4 से 6 डिग्री अधिक है। शिमला की बात करें तो 29.5 डिग्री सेल्सियस था पिछले 24 घंटों का तापमान, जो कि सामान्य से मतलब 4 डिग्री अधिक था। तो देखिए जो हमारे क्षेत्र हैं प्लेन के, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में अभी हीट वेव कंडीशन बनी हुई हैं और आगामी 4 से 5 दिनों की अगर बात करें तो जो आपके वेदर है वो मेनली साफ रहेगा और जो दिन के तापमान है वो ग्रेजुअली राइज करेंगे 2 से 3 डिग्री आगामी 4-5 दिनों में। और इसके चलते हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, शिमला, सिरमौर है, मंडली है, कुल्लू है। तो इनमें एक मतलब कुछ एक स्थानों में हीट वेव कंडीशन राइज हो सकती हैं आगामी 4-5 दिनों में। और देखिए जैसे कि तापमान राइज ही करेगा आपका अभी जो संभावना है तो अभी ऐसे कोई मतलब राहत मिलने की संभावना नहीं है जो दिन के तापमान है। कि पहले अगर वेदर की बात करें तो देखिए 26 तारीख तक तो अभी मौसम मुख्यतः साफ ही रहेगा और जैसे ही इसके बाद कुछ अपडेट होगी तो हम यहाँ से जारी करेंगे। और अभी देखिए जो WD अप्रोच किया था पिछले 3 दिनों में वो फीबल था, उसके चलते जरूर हमें जो क्षेत्र चंबा थे, कांगड़ा के जो हायर बेल्ट है आपका, कुल्लू में क्लाउडिंग जरूर हुई थी, पर ऐसे क्योंकि उसमें मॉइस्चर इतना फीडिंग नहीं था इसके चलते बारिश नहीं हुई है। और अभी जो ओवरऑल जो वेदर पैटर्न्स बने हुए हैं इसके चलते जो दिन के तापमान है वो ग्रेजुअली राइज कर रहे हैं, तो क्योंकि मॉइस्चर फीडिंग नहीं हुई है प्रदेश में। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो ऐसे जो स्टेशन हमारे पास हैं जहाँ तापमान मतलब रिकॉर्डिंग होती है, ओवरऑल जो एक्सट्रीम है मतलब पिछले कई वर्षों के, वो कहीं भी ब्रेक नहीं हुए हैं। हालांकि जो पिछले 24 घंटों में जो दिन के तापमान थे जो आपके स्टेशन थे, सुंदरनगर, भुंतर, ऊना, कांगड़ा है आपका, देरा है कांगड़ा में, फिर सोलन है, पौंटा साहिब है, तो इनके जो दिन के तापमान थे मतलब कल 19 तारीख की शाम को, ये इस सीज़न के अधिकतम रिकॉर्ड किए गए हैं। और शिमला की बात करें तो 18 तारीख को शाम को 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था और वो इस सीज़न का हाईएस्ट था। हालांकि पिछले जो 19 तारीख को वो 0.5 डिग्री कम था। तो ओवरऑल पूरे प्रदेश में ही मतलब अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में जो इस सीज़न का मतलब जो सबसे अधिकतम तापमान जो दिन था वो रिकॉर्ड किया गया था पूरे प्रदेश में। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।